नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूँ ललित। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिलायंस जियो लॉन्च 5G सेवा के बारे में। चलो तो देखते हैं। कुछ महीने पहले रिलायंस जियो ने 10 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के नाथद्वारा ठिकाने से 5G सेवाएं लॉन्च कर दी गई है। इन सेवाओं को आकाश अंबानी के नेतृत्व में लॉन्च किया गया है और इसी तरह इनका उद्देश्य है 2023 तक संपूर्ण 5G सेवा भारत में पहुंच, इसे सफल बनाने के काम में लगे हुए हैं। आप देख ही सकते हो दोस्तों, भारत इंटरनेट की दुनिया में अपना नाम स्थापित कर रहा है। 5G इंटरनेट सेवाएं टावर से नहीं बल्कि सैटेलाइट के मदद से अर्थ पर प्रदान की जाएगी। जैसे कि कुछ विभिन्न गांवों में अभी तक 4G नेटवर्क नहीं पहुंचा है। तो दोस्तों, 5G इंटरनेट सुविधा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जैसे कि 5G इंटरनेट सेवाएं भारत में लागू भी कर दी तो वह अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं, वो भी देखना होगा। क्या लगता है दोस्तों? चलो तो आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी कंपनी अपना सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर है इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंग। इनकी 5G इंटरनेट सेवाएं यूएसए में शुरू कर दी गई। दूसरे नंबर पर है रिलायंस कंपनी, जो कि जियो सैटेलाइट के द्वारा अपनी 5G सेवाएं प्रदान करेगी। तीसरे नंबर पर है एयरटेल कंपनी, जो कि वनवेब सैटेलाइट के द्वारा अपनी 5G सेवाएं प्रदान करेगी। फोर्थ नंबर पर है अमेजॉन कंपनी, यह कुल पर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। टाटा अपनी 5G सेवाएं प्रदान करने के लिए टेलीसैट सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, इनमें से कौन सी 5G इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनी भारत में अच्छा काम कर पाएगी, कमेंट में जरूर बताइए। यह कंपनियां अपनी विभिन्न इंटरनेट सेवाओं का ट्रायल कर रही है। चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर देख कर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो में। बाय, टेक केयर।